अब क्या लेने आई हैं आप? मान ली ना आपकी बात, शादी नहीं कर रहा हूं आपके साथ। चली जाइए। किराया जी, मेरी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए किराया जी। मैं कुछ पल के लिए सेल्फिश हो गई थी, अपने बारे में सोचने लगी थी। और वैसे भी मेरी जिंदगी मेरी है ही कहा, इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधों पर अपने परिवार की। बस मंदिरा को इस सदमे से बाहर निकालना चाहती हूँ, उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो अपने पांव पर खड़ी हो जाए। और विदित भैया की हालत तो आप जानती हैं ना, मैं विदित भैया को ठीक करना चाहती हूँ किराएदार जी। उन्हें उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अभी मेरी है। और अगर मैं स्वार्थी होगी ना तो मेरा पूरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और मैं तब तक सपने नहीं देख सकती जब तक विदित भैया पूरी तरह ठीक होकर सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ना ले ले। क्यों सुना रही हैं आप ये सब? मैंने आज तक आपको कभी रोका है? आपके जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन मैं आपकी कोई बात सुनने नहीं वाला हूं, ना ही समझने वाला हूं। तो कौन समझेगा किराएदार जी, कौन समझेगा? बस बहुत हो गया आपका मकान मालकिन जी, जस्ट लीव, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। आपकी सोच, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी, और मेरा क्या? मेरे बारे में सोचा है आपने? मेरी जिंदगी को आपने मजाक बना दिया है। आज तक आपने जो भी हमारे बारे में फैसले लिए, कभी यह पूछने की जहमत उठाई ऋषि तुम क्या सोचते हो? नहीं मकान मालकिन जी, नहीं, मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूं। और मैंने आपको कब मना किया था कि आप शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए? नहीं, आज आपने पल भर में मुझे फिर से पराया बना दिया, क्योंकि मैं तो किराएदार ही रहूंगा और आप मकान मालकिन जी, जिसने ना तो आज तक किसी के बारे में सोचा है ना ही कभी सोचेंगे। आप हिटलर थी, है और रहेंगी। सुन रही हूं आपकी बक 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 बक। अब आप चुप रहेंगे और मैं कहूंगी। क्या कह रहे थे आप कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? तो सुन लीजिए मिस्टर ऋषि कुमार, कि मेरे अंदर भी एक भोली भाली सी लड़की है जो हर आम लड़कियों की तरह सपने सजाना चाहती है, जो खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ना चाहती है, जो किसी के कंधे पर सर रखकर चैन की नींद सोना चाहती है। और किराएदार जी, आप है वो इंसान जिसके साथ मैं ये सारे सपने देखना चाहती हूं। मैं आपके साथ शादी करके आपके दो बच्चों की मां बनना चाहती हूं। अंतरा मंत्रा, मुझे ये मंत्रा नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये नाम रखना चाहती हूं क्योंकि ये आपको पसंद है। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ हंसते खेलते गुजारना चाहती हूं, लेकिन क्या करूं मैं, जब भी मैं अपने लिए जीने के लिए सोचती हूं मेरी जिम्मेदारियां मेरे पांव की बेड़ियां बन जाती है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? लाखों में एक है किराएदार जी, पर मैं शायद आपके लायक नहीं हूं। आप जितना मुझसे प्यार करते हैं किराएदार जी,
इतना कौन मुझ जैसी बदतमीज और खड़ूस लड़की से प्यार करेगा? मैं जैसी हूं आपके सामने हूं, अच्छी हूं बुरी हूं जो भी हूं आपके सामने हूं किरायेदार जी। मैं सिर्फ आपके साथ शादी करके पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लोग कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपके करीब होता है आप उसी से उम्मीदें लगाकर बैठे रहते हैं। मैंने भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई कि आप मेरा हर परिस्थिति में मेरा साथ देंगे। बोले ना, साथ देंगे ना मेरा? प्लीज किरायेदार जी बोले ना, साथ देंगे ना मेरा? चलिए अब आप गुस्सा थोप दीजिए। चलिए आप घर चलिए। आपने देखा अभी हमने क्या किया? क्या किया? आपको याद है मकान मालकिन जी, इसी जगह इसी अग्नि को साक्षी मानकर हमने 6 फेरे लिए थे और आज अनजाने में 7वां भी पूरा कर लिया मकान मालकिन जी। ये हो गया हमारा 6ठा फेरा और इसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए पति पत्नी, जन्मों का बंधन। को भी शायद यही मंजूर था मकान मालकिन जी, हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए मकान मालकिन जी, 7 फेरों के इस अटूट बंधन में बंध गए। आपने मकाओ वाली शादी से तो इनकार कर दिया था, लेकिन इस शादी से कैसे इनकार करेंगे? 7ों वचनों के बंधन में हम दोनों बंध कर जन्म जन्मांतर के लिए एक हो गए हैं मकान मालकिन जी।
क्या हुआ? क्या कर रही हैं मकान मालकिन जी आप? आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। Love you too, Makhan Malkin ji. Makhan Malkin ji, this is Indira, Rishi Kumar. Umre lagi kehte hue do lafz the ek baat. जन्मों का बंधन किसने गिना है?
I'm sorry. ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है। I'm sorry. वो पता नहीं कैसे हम दोनों प्यार की आंधी में बह गए। मेरा यकीन कीजिए, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मैं जानता हूं कि समाज को हमारी शादी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, और ये भी जानता हूं कि हिंदुस्तानी लड़की के लिए इस सब के क्या मायने। I'm really very sorry. आपसे किसने कहा कि मुझे समाज की परवाह होने लगी है? हमने कोई पाप नहीं किया। अपने पति के साथ प्यार के दो पल बिताना कोई बुरी बात नहीं है, और आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। पति देव जी, इतना बड़ा जंप किराएदार से पति देव जी, ये इतना प्रमोशन कैसे? आप ही के समाज में सम्मान के साथ पति को इसी नाम से बुलाया जाता है ना, पति देव जी। तो आप आदत डाल लीजिए। अच्छा हुआ आपने मुझे प्राणनाथ नहीं कहा। नहीं, आपका भरोसा नहीं है ना, पता नहीं कब आपका हिटलर रूप जाग जाए और फिर नाथ से प्राण अलग हो जाए।